कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ही आग्रह करूंगा, जो पिएगा वो मरेगा, मर ही रहा है, हजारों की संख्या पार कर गया है। क्या मुख्यमंत्री जी आपका दायित्व नहीं है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की खराबी के कारण ये हो रहा है? आपका भय खत्म हो गया है? मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जो पिएगा मरेगा, शराबबंदी के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन आप अपने जिद पर अड़े हैं। जिद पर अड़े ना रहें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं और शराबबंदी को किस ढंग से लागू किया जाए। आज शराब के कारण केवल मर ही नहीं रहे हैं, बल्कि अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, अपराध के कारण मौत हो रहा है, कैरियर बन जाता है सप्लायर, एक दूसरे की हत्या हो रही है आज। और आपके अधिकारी जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है, उसके साझेदार बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी, आप अपनी गलतियों को दूसरे के मत्थों पर ना थोपे, और आप राज्य के मुखिया हैं, अगर आपकी गलती के कारण आपके थाने से मीडिया दिखा रहा है कि स्प्रिट का ड्रम गायब हुआ, तो आखिर आपके थाने से स्प्रिट गायब हो जाए और मौत का कुआं बन जाए, इसके लिए दोषी कौन? आपका प्रशासन गलती करे और खामियाजा 2 साल की बच्ची और बच्चे भुगते, जिसके पिता ने जहर पी लिया, और आप कहते हैं कि मैं मुआवजा नहीं दूंगा। अरे मुआवजा दें ना दें, लेकिन अपनी गलती को तो पहले कबूलें कि आपके थाने से स्प्रिट गया है। कल मीडिया दिखा रहा था इतने ड्रम थे और आज इतने ड्रम हैं, तो थाने से जब ड्रम गायब हो सकता है स्प्रिट का नीतीश बाबू, तो इसका मतलब आपका इकबाल खत्म हो गया है और आपके कारण मौत हो रहा है। जब मौत हो रहा है आपके कारण, तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को, 2005 में जब आए थे तो आपको तालियां मिल रही थी, आज गालियां भी आपको सुनना पड़ेगा। चिल्लाएं नहीं, झुंझलाहट नहीं हो, दूसरे को गालियां मत दें, आप अपने को आत्मनिरीक्षण करें, हो सके तो कहीं चले जाएं एक हफ्ते के लिए और तपस्या करें, तब पता चलेगा कि आपके कारण बिहार में मौत हो रहा है। ये शराब से मौत नहीं हो रहा है, बल्कि आपके जहरीले शराब जो आपके थाने के द्वारा सप्लाई हो रहा है। राहुल गांधी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीनी सैनिक है वो भारतीय सैनिकों को अरुणाचल में पीट रहे हैं, चीन स्ट्रेटजी बना रहा है, भारत सो रहा है। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी वही भाषा बोलते जो पाकिस्तान बोलता, जो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं। कभी मौत के सौदागर आपने कहा था, आपकी माताजी ने कहा था। समझ में नहीं आता है, आपकी भाषा पाकिस्तान और चीन बोलता, चीन और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते, आप भारत के विपक्ष के नेता हैं या पाकिस्तान और चीन के हिमायती हैं? आज चीन में पूरी दुनिया जानता है, कभी आपकी जुबान पे नहीं आता कि 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपके नाना ने गमा दिया, और आज भारत उसको एक स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। जो लाइन बना है लोसी, आज सेना कह रहा है कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं लिया है, बल्कि हमने उल्टे मार मार करके भगाया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, आप गए नहीं, सेना के शौर्य को भी गाली दे रहे हैं और भारत को भी गाली दे रहे हैं।
ये दुर्भाग्य है, चाइना का प्रेम क्यों है? 1,35,00,000 में ही आप बिक गए राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसा लेकर के चाइना से, आपको थोड़ा सा भी नहीं रहा? नेहरू को प्रेम क्या था चाउएन लाई से, आपको प्रेम क्या है चाइना से? ये देश की जनता जाननी चाहती है। आपको तो माफी मांगना चाहिए। विपक्ष के नेता होने का मतलब नहीं है कि आप देश के शौर्य को गाली दें, आप देश को गाली दें। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए बिना गए हुए, सेना की बातों पर विश्वास किए बगैर आप सेना को गाली दे रहे हैं, ये देश का अपमान कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको देश से और सेना से माफी मांगनी चाहिए। बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री मोदी को कसाई कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो की क्या बखत है, पहले देश संभाल ले। देश बचेगा कि नहीं बचेगा? $6 बिलियन बच गया है विदेशी मुद्रा, देश को पहले बचा ले। और आज से एक दिन पहले याद करो, आपके नाना जी को घुटने टेकना पड़ा था, 1,00,000 सैनिक हथियार रख दिया था भारत के सेना के सामने, भारत के शौर्य के सामने। गलती हमसे केवल इतना ही हुआ कि हमने तुम्हें वापस कर दिया। अगर वापस ना किए होते तो आज पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश तो होता ही, तुम्हारा बिलावर का बिल बिल आवाज नहीं निकलता। जितना घटिया आवाज बोले हो, हम भी तुम्हें गाली दे सकते हैं, लेकिन मैं गाली तुम्हें नहीं दे रहा हूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम पैदा भी नहीं लिए थे। उस समय तुम्हारे नाना ने घुटना टेका था, तुम्हारी क्या औकात है? मोदी की तुलना करोगे, जिस मोदी से आज पूरी दुनिया हाथ मिलाने के लिए, चाहे अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तुम्हारी क्या बकत है? और तुम अपना देखो, मोदी की तुलना करने चले हो। दुर्भाग्य है इस देश का। नहीं तो अगर उस दिन इंदिरा जी ने नहीं छोड़ दिया होता तो आज तुम्हारी औकात क्या होती? आज तुम हिंदुस्तान के एक गिरगिराते हुए कहीं छुपे हुए पाकिस्तान के छोटे से जगह। पठान एक मूवी है शाहरुख खान की, उस पे काफी ज्यादा हंगामा चल रहा है। शाहरुख खान के ऊपर केस वगैरह हो गया है। कहा जा रहा है कि गेरुआ रंग पहन करके जो गाने को में दिखाया गया है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। देखिए, मैं निवेदन करता हूँ, बॉलीवुड के कुछ अभिनेता, कुछ डायरेक्टर जिस ढंग से हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं फिल्म बना करके, मैं फिल्मों का नाम गिनाऊं तो सीरीज ऑफ फिल्म दिखाई देगा। कोई इडियट बना देते हैं, कोई बीडियट बना देते हैं, तरह तरह का बनाते हैं। आज तक किसी को हिम्मत है कोई इस्लाम पर फिल्म बना